बहलोल लोदी को हिंदुस्तान में लोदी खानदान का पहला सुल्तान शुमार किया जाता है। बहलोल लोदी के वाल्द का नाम मलिक काला जबकि दादा का नाम बेहरम खान था। बेहरम खान अपने भाई से नाराज होकर मुल्तान चला आया और सुल्तान फेरोज शाह तुगलक के जमाने में वहां उसने सकूनत अख्तियार कर ली। बेहरम लोदी जिस वक्त मुल्तान आया था उस वक्त एक शख्स दौलत खान मुल्तान का हाकम था। वक्त के साथ बेहरम लोदी के यहाँ 5 फर्जंद मलिक सुल्तान शाह, मलिक काला, मलिक फेरोज, मलिक अहमद और मलिक ख्वाजा पैदा हो गए। सुल्तान फेरोज शाह के दौर में जब हजर खान मुल्तान का हाकम बन गया तो बेहरम का बड़ा बेटा सुल्तान हजर खान की मुलाजमत अख्तियार करके मुल्तान में मुकीम अफगानों के एक गरवा का सरदार बन गया। इस दौरान हाकम हजर खान और सालार इकबाल मलू के दरमियान टकराव हो गया और जंग में मलू इकबाल का मुकाबला हजर खान की तरफ से सुल्तान शाह कर रहा था। मैदान जंग में मलू इकबाल सुल्तान शाह के हाथों मारा गया जिसकी वजह से सुल्तान शाह हजर खान के मकरबेन खास में शामिल हो गया और हजर खान ने सुल्तान शाह लोदी को इस्लाम खान लखतब और सरहंद का हाकम बना दिया। बेहरम लोदी के चारों बेटे इस्लाम खान के साथ रहने लगे और मलिक काला जो बहलोल लोदी का बाप था किसी एक इलाके का हाकम मुकर किया। वक्त गुजरने के साथ साथ बहलोल लोदी की मां पर उतफाक से मकान गिर पड़ा और वो मकान के नीचे दबकर मर गई। इस दौरान वो हामिला थी लिहाजा लोगों ने आपकी पेट काट कर बच्चे को जिंदा निकाल दिया। वो बच्चा जो माँ की पेट काटने से पैदा हुआ था वो कोई और नहीं बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी की मां के मरने के कुछ समय बाद आपका वाल्द भी नियाजियों के साथ लड़ते हुए मारा गया और बाप के मरने के बाद बहलोल को अपने चचा इस्लाम खान के पास भेजा गया। इस्लाम खान बहलोल के साथ सख्त मोहब्बत रखता था। एक दिन जब उसकी बीवी ने बहलोल को डांटा तो आपने अपनी जोजा से कहा कि ये लड़का कोई आम सा लड़का नहीं है, मैं उसकी पेशानी पर वो चीज देख रहा हूँ जिसकी बदौलत एक न एक दिन वो बुलंद मर्तबा और हुक्मरान के मकाम पर फाज होगा। ये बच्चा तो चिराग है जो खानदान भर में उजाला करेगा। वक्त के साथ इस्लाम खान ने बहलोल को तालीम के साथ साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सिखाता रहा और जब इस्लाम खान के मौत का वक्त करीब पहुंचा तो उसने अपने फर्जिंदों के बजाय बहलोल को सरहंद का हाकम बनने की वसीयत की। उस वक्त इस्लाम खान का लश्कर 12,000 अफगान सिपाहियों पर मुश्तमिल था। बहलोल जब सरहंद का हाकम बना तो उस वक्त उसका चचा जाद भाई कतब खान बिन इस्लाम खान ने आपकी मुखालफत की और छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद जब कतब खान कमजोर हुआ तो वो दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद शाह की तरफ रवाना हुआ। जब वो सुल्तान मोहम्मद शाह के दरबार में हाजिर हुआ तो उसने सुल्तान से कहा कि सरहंद अफगानी चिंगजों का मरकज रह गया है जिसका लाजमी नतीजा यही होगा कि मुल्क में शोरिश व फसाद बर्पा हो जाएगा। मोहम्मद शाह ने जब कतब खान से बहलोल लोदी और उसके चचा फेरोज खान की शिकायत सुनी तो उसने कतब खान की रहनुमाई में एक लश्कर मलिक सिकंदर के सालारी और जसरत ककर की अमदादी लश्कर के साथ सरहंद भेजा। जब ये दोनों लश्कर सरहंद पहुंचे तो इस दौरान बहलोल लोदी अपने साथियों समेत पहाड़ों में जाकर छुप गए, लेकिन सिकंदर और ककर ने जान की अमान का वादा करके उससे पहाड़ों से नीचे उतरने को पैगाम भेजा। आपस में सलाह व मशवरे करके चचा फेरोज खान कोहिस्तान से बाहर निकला, लेकिन उन दोनों ने अपना वादा तोड़कर फेरोज खान को गिरफ्तार कर लिया और कोहिस्तान में छुपे अफगानों पर इन्होंने हमला कर दिया। दोनों अतराफ से शदीद जंग और खूनरेजी के बाद अफगानों को शिकस्त हो गई और अक्सर अफगाने कत्ल और कैदी हो गए, मगर बहलोल लोदी वहां से भाग निकला। बहलोल का चचा फेरोज खान एक ऐरतमंद इंसान था। कहते हैं कि जब सिकंदर और कुकर के लश्कर ने उन अफगानों को शिकस्त दिया तो मकतूलिन के सर सरहंद लाए और एक एक का सर उठाकर फेरोज खान से उसका नाम पूछता, मगर जब सिपाहियों ने फेरोज खान के बेटे का सर उठाया और नाम पूछा तो फेरोज खान ने इनकार करके कहा कि मैं इस लड़के को नहीं जानता। जिस पर साथ में खड़े सिपाहियों ने कहा कि आप इस बहादुर इंसान का नाम कैसे नहीं जानते, ये तो हमारे साथ इतनी मर्दानगी के साथ लड़ा है कि उसका कोई नजीर नहीं है। ये बात सुनकर फेरोज खान रोने लगा और कहा, ये मेरा बेटा है मगर मैंने शनाख्त करने से इनकार इसलिए किया कि कहे ऐसा न हो कि उसने मैदान जंग में बेगैरती या बुजदिली दिखाई हो, मगर जब आपने उनकी बहादुरी बयान की तो मैं अब उसकी निंग अफगानी पर फख्र करता हूँ। अपने कबीले को तख्त व ताराज देखकर बहलोल ने अपने लश्कर को बढ़ाने का अमल तेज किया, जिसके लिए उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर कसीर तादाद में अफगानियों को लश्कर में जमा किया और मुनासिब वक्त के मतलाश में वो पोशीदा और अपना माली इस्तेदाद बढ़ाने के लिए लूटमार शुरू कर दी। कुछ समय बाद बहलोल का चचा जाद भाई कतब शाह अपने किए पर पेशमान होकर बहलोल के पास गया, जिससे उसके लश्कर में मजीद इजाफा हुआ और सरहंद पर कब्जा कर लिया।
बादशाह मोहम्मद शाह ने बहलोल को कोचलने के लिए एक लश्कर हसाम के सरबराही में बहलोल की तरफ सरहंद भेजा, मगर जंग में फतह अल्लाह ताला ने बहलोल को दिया। फतह के बाद बहलोल ने बादशाह को खत लिखा कि मैं सिर्फ हसाम खान की वजह से सल्तनत से दूर हो, अगर आप हसाम को कत्ल करके हमीद खान को वजीर बना दे तो मैं आपका फरमान बरदार रहूंगा। बादशाह जंग को तूल नहीं देना चाहता था और हसाम को मारकर हमीद खान को वजीर बनाया, जिसकी वजह से बहलोल आपकी हदमत में हाजिर हुआ और बादशाह ने आपको श्रेयाम बेटा मान लिया। इस दौरान सुल्तान महमूद खलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया। बहलोल ने बादशाह मोहम्मद शाह की मदद करके खलजियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। अब बहलोल एक ताकतवर लश्कर का मालिक था। आपने बादशाह से पूछे बगैर लाहौर, दीपालपुर और पानीपत के बाज इलाकों पर कब्जा किया। एक दफा उसने बादशाह मोहम्मद शाह पर लश्कर ले आया और किले का महासिरा किया, मगर न जाने क्यों उसने महासिरा खत्म करके वापस चला गया। बादशाह मोहम्मद शाह के मरने के बाद आपका बेटा अलाउद्दीन बादशाह बना, मगर अलाउद्दीन बादशाह से कोई खास शौक नहीं रखता था और हर वक्त बदायूं में रहता था, जिसकी वजह से अक्सर हाकमान बागी हो गए और हर एक ने खुद मुख्तार रियासत बनानी शुरू कर दी। बहलोल ने भी एक दफा अलाउद्दीन पर हमला किया था मगर नाकाम हुआ था। आखिरकार जब वो बदायूं में मुकीम था तब वजीर हमीद खान ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहलोल को बतौर सिपहसालार रखा, मगर वक्त के साथ बहलोल लोदी ने हमीद खान की तख्त पलट कर खुद दिल्ली पर काबिज हो गया और हाकम बहलोल से सुल्तान बहलोल लोदी बन गया। 855 हजरी में सुल्तान बहलोल लोदी जब दिल्ली से पंजाब निकला तो इस मौके से फायदा उठाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन और चुनपुर के हुक्मरान मोहम्मद शर्की ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए किले का महासिरा किया। लश्कर दो हिस्सों पर तकसीम होने की वजह से बहलोल के बेटे बायजीद को शिकस्त का सामना करना पड़ता था, मगर उस दौरान मोहम्मद शर्की ने सिपहसालार दरिया खान की सरबराही में बहलोल पर हमला करने शहर से बाहर लश्कर रवाना किया। दरिया खान और बहलोल के दरमियान जब जंग शुरू हो गई तो बहलोल लोदी का लश्कर शिकस्त के किनारे पर खड़ा था, मगर इस दौरान कतब खान ने दरिया खान को बुलंद आवाज में ताना देकर कहा कि हम दोनों हम कौम है, आप किसी और के लिए अपने माए बहनों की इज्जत दांव पर लगाओगे। दरिया खान ये सुनकर जंग छोड़ दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद शर्की के लश्कर को शिकस्त हुआ। तब दोनों हुक्मरानों ने महासिरा खत्म करके वापस चले गए, लेकिन जौनपुर के हाकम मोहम्मद शर्की ने कुछ समय बाद इंतकामी कार्रवाई करते हुए दोबारा बहलोल पर लश्कर ले आया और दौराने जंग में बहलोल का चचेरा भाई कतब खान ने कसीर नुकसान उठाने के साथ साथ उसको गिरफ्तार करके अपने साथ जौनपुर ले गया। बहलोल की किस्मत अच्छी थी क्योंकि इस दौरान मोहम्मद शर्की इंतकाल कर गया और आपके बाद आपका बेटा मोहम्मद शाह बादशाह बन गया। मोहम्मद शाह एक खूनख्वार इंसान था, उसने अपने कोतवाल की मदद से अपने भाइयों को कत्ल करना शुरू किया, जिसके नतीजे में जौनपुर में आपसी खाना जंगी शुरू हो गई और जौनपुर का फौज कई हिस्सों में बट गया। अलमुख्तसर जब मोहम्मद शाह और बहलोल के दरमियान मैदान जंग गर्म हो गई तो इस दौरान जंग में बहलोल के लश्कर ने मोहम्मद शाह का फर्जंद बिलाल खान को गिरफ्तार करके दिल्ली ले गया। मोहम्मद शाह भी अपने दरंदगी की वजह से अपने मां के हाथों गिरफ्तार हुआ और कतब खान को बिलाल खान के तबादले पर छोड़ दिया गया। अब बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा करने के लिए ठान लिया और एक बड़ा लश्कर लेकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया, अपने बेटे को वहां का हाकम मुकर किया। इसके बाद कालपी पर हमला करके उन पर भी कब्जा किया और ग्वालियर पर लश्कर लेकर ग्वालियर के हाकम को अपना मती कर लिया। कई साल गुजरने के बाद सुल्तान हुसैन ने अपना लश्कर मजबूत करके फिर से जौनपुर और कालपी पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार भी उसने शिकस्त खाई और जौनपुर चले गए। सिकंदर लोदी जब 5 बरस का हुआ तो इस दौरान उदयपुर के राणा ने बहलोल से बगावत कर दी और मुकाबला करने के लिए बहलोल के रूबरू हुआ, मगर बहलोल ने उनके लश्कर को सिफाहिस्ते से मिटा कर साथ में आपका बांजा चतर साल को भी कत्ल कर लिया। अबर्तनाक शिकस्त के बाद राणा ने फिर से बहलोल की ताबादारी के किस्म काली और उदयपुर में बहलोल का सेका और खतबा जारी किया। वक्त गुजरता गया और बहलोल ने रियासतों को फतह व मुतह करते गया कि एक दिन सिंध का वाली अहमद खान ने मुल्तान पर लश्कर कुशी कर दी। जवाब में बहलोल लोदी ने भी अपना लश्कर बायजीद को देकर मुल्तान रवाना किया। मुल्तान में उन दोनों के दरमियान सख्त जंग हो गई, जिसमें एक बार तो बायजीद को अहमद खान के भतीजे नूरंग खान की माचौका के हाथों शिकस्त हुआ, मगर ताजा दुम लश्कर मिलने के बाद उनको शिकस्त दिया और मुल्तान के वाली को गिरफ्तार करने के बाद कत्ल कर दिया। उन फतोहत के बाद बहलोल को एक जबरदस्त सदमा पहुंचा, वो ये कि आपका बेटा बायजीद अपने नौकर के हाथों कत्ल हुआ, पर कुछ वक्त के बाद उसने जौनपुर पर दोबारा हमला करके उनको फतह किया और अपना पोता बायजीद का बेटा वहां के हुक्मरान मुकर किया।
जौनपुर पर हमले के दौरान आपका चचाजात भाई कतब शाह भी तभी मौत मर गया और अब बहलोल भी बूढ़ा हो चुका था। आपके मरने के बाद आपका बेटा सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा। सिकंदर लोदी की माँ एक जरगर यानी सोनार की बेटी थी, जिससे बहलोल लोदी सरहंद के जमाना में प्यार करता था। बाद में जब आप हाकम बने तो